हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु बोरवाल स्वागत करता हूं आपका अपने बोरवाल कोचिंग क्लासेस में। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आज मैं आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लेकर आ रहा हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एलसीएम। देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लघुत्तम समाप्त वर्तक ये होता है, यानी कि लासावा ये बोलते हैं एलसीएम को। और एलसीएम क्या होता है, लिखा है ना कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी नंबर जिनका मल्टीपल जो कॉमन मल्टीपल हो वो जब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो। सपोज मैं एक नंबर लेता हूं, सबसे पहले चलिए एक मैंने नंबर लिया, मैंने लिखा 10, 15, 30, 60। ये मैंने एक नंबर लिया। और देखिए एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको 3-4 तरीके से एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा नंबर, एक इसे एक हिसाब से बोल सकते हैं छोटी सी ट्रिक, 10, 15, 30, 60। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 60। अब 60 देखिए, 10 के टेबल में 60 आता है, आता है 6 टाइम में आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, आता है 4 टाइम में आता है, 30 टेबल में 60 आता है, आता है 2 टाइम्स में आता है, और 60 के टेबल में 60 आता है। इट मीन्स इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 60 ही होगा। क्या होगा एलसीएम? 60 होगा। इसे आप बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट मेथड या फर्स्ट ट्रिक, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे, कि जो नंबर सबसे बड़ा हो वो आपके छोटे जितने भी नंबर दिए हो उन सबके मल्टीपल में आता हो। अगर उन सबके मल्टीपल में आता है तो वही आपका आंसर होगा। चलिए इसी को दूसरे तरीके से निकाल के दिखाते हैं, जो आपने बचपन में किया होगा। 10, 15, 30, 60 ये आ गया। और हमको पता है कि जब भी हम ये एलसीएम निकालते हैं हमेशा हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, कि प्राइम नंबर से निकालेंगे। सबसे पहले हमने किया 2, 2, 5 या 10, 15 ज्यादा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 30 जाएगा 15 टाइम्स में, और 60 जाएगा 30 टाइम्स में, 3, 2 जा 6 और देन 0 का 0, 5 जाएगा नहीं 2 के टेबल में, 15 जाएगा नहीं, यहाँ भी 15 नहीं जाएगा, बट ये 30 जाएगा। तो 2, 1 जा 2, यहाँ कैरी हो गया 1, यहाँ कैरी हो गया 1, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो 2, 5 जा 10, यहाँ आ गया 5, 15, 15, 15। अब देखिए किस टेबल में जाएगा, सबसे छोटा नंबर रहता है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 15 जाता है, 5, 3, 5 जा 15, 3, 5 जा 15, then 3, 5 जा 15, then अब लास्ट आ गया 5, 1, 1, 1 और 1। देखिए ये आपका एलसीएम, जो भी नंबर आपके यहां पर आते हैं उसका आप प्रोडक्ट कर दीजिए, वो आपका एलसीएम। 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 4, 4 × 12 और 12 × 5 = 60। आप बचपन में एलसीएम इसी तरह निकालते थे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। आपने एक तरीका निकाला एलसीएम का, ये हो गया सेकंड मेथड। ये ट्रिक है आपकी फर्स्ट ट्रिक, आपको इस तरीके से निकालिए, सेकंड मेथड ये। और चलिए देखते हैं एक और मेथड, एक और तरीका एलसीएम निकालने का। सबसे पहले आप 10 के फैक्टर निकालिए, 2 × 5 = 10, 15 के निकालिए 3 × 5 = 15, 30 के निकालिए 2, 3 = 6 और 6 × 5 = 30, 60 के निकालिए 2, 2 = 4, 3 × 12 और 12 × 5 = 60। एक ये तरीका आपका। अब इसमें देखिए जो जो आपका कॉमन आ रहा है वो क्या क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं बात करूं कॉमन की, सिर्फ यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां 2 आ रहा है और यहां 2 आ रहा है। तो चलिए पहला 2 लिख लेते हैं, अगला 2 कहीं भी नहीं है सिर्फ यहां पे है, ये भी लिख लेते हैं। अब देखते हैं 3, ये 3, ये 3 और ये 3, चलिए 3 लिख लेते हैं। अब बचा सिर्फ 5, 5 सब में है तो सबका सब लिख लेते हैं और मल्टीपल कर देते हैं, आंसर कितना आएगा 60। एक आपका ये तीसरा तरीका। ये 3 तरीके हैं एलसीएम निकालने के और आप 3 तरीकों से किसी भी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा दी, जब आपका नंबर सबसे बड़ा हो और वो सबसे बड़ा नंबर आपका बाकी जितने भी छोटे नंबर हैं उन सबसे
मल्टीपल होता हो या फिर उन सबसे डिवाइड होता हो। देखिए सेकंड ट्रिक देखते हैं। सेकंड ट्रिक में मैंने क्वेश्चन लिया है 5, 15, 20, 30 ये लिया क्वेश्चन 5, 15, 20 और 30। देखिए 5 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। 30 के टेबल मतलब 5 के टेबल में 30 आता है, आता है, तो मैंने 5 को काट दिया। 15 में 30 आता है, आता है, इसको भी काट दिया। अब बचा 20 और 30। क्या बचा? 20 और 30, दोनों के जीरो है दोनों में, तो जीरो मैंने साइड में रखा। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 6, और जीरो जो थी वो लगा दी, तो इसका एलसीएम मेरा कितना आ गया? 60 आ गया। अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, इन दोनों नंबर को देखिए। देखिए ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर को देखिए और सबसे बड़े वाले नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो आपका छोटे वाले नंबर में भी आता हो। अगर हम 30 को 1 से करूं तो 30 यानी 30 एकम 30, 20 में नहीं आता। 2 से करूं 30 दूनी 60, तो 60 20 में भी आता है, तो 20 या 60 होता है। देखिए 30 को अगर मैं 2 से करूं तो 30 दूनी 60 कितना होता है? 60, और 60 20 में भी आता है, तो आपका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। चलिए देखते हैं आप तीसरी एक ट्रिक आ गई छोटी सी। देखिए पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी सबसे बड़ा नंबर जो सबके साथ कट रहा हो, दूसरी में ये आपको बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे कट रहा नहीं कट रहा। तो मैंने देखिए पहले 5 से कटा, फिर 15 से कटा, 20 से नहीं कटा था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया या फिर इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लिए। और कॉमन फैक्टर अगर मैं इसी की बात करूं कॉमन फैक्टर निकालने की, तो कैसे होगा? मैंने यहां लिखा 20, यहां लिखा 30। देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 80, 20 पंचे 100, यहां तो ऐसे ले लिया। 30 कर लेते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 से 90, 30 से 120, और ये 150। अब देखिए यहीं से अगर मैं बात करूं तो जो लिखा है ना मैंने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए 20-30 कॉमन नहीं है, 40-60 लेके यहाँ पे 60 और यहाँ भी 60, तो कॉमन क्या है? 60, तो इसलिए आपका एलसीएम कितना आया? 60 आया। ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, इनके आप फैक्टर निकालिए, इनके मल्टीपल कीजिए आगे के, और जो इनके मल्टीपल करेंगे उनमें से सबसे छोटा जो कॉमन आएगा वो आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। देखते हैं तीसरी ट्रिक। अब तीसरी ट्रिक क्या है, मैंने लिखा एक सपोज के लिए 7, 14 और 11, मैंने लिखा 7, 14 और 11, मुझे इनके एलसीएम करना है। तो देखिए 7 के टेबल में 14 आता है तो मैंने 7 को हटा दिया, लेकिन 11 के टेबल में 14 नहीं आता, और 14 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि 11 इज द प्राइम नंबर। तो जब भी कभी आपको प्राइम नंबर दिया हो तो लास्ट में प्राइम नंबर जो आपका मल्टीपल आए वो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 और 11 को मल्टीप्लाई करिए, आपका एलसीएम आएगा 154। क्या आएगा? 154। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी में। सपोज मैंने लिखा 3, 6 एंड 13, कितना लिखा? 3, 6 एंड 13, 3 के टेबल में 6 आता है तो ये हटा दिया। अब 6 और ये 13, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 13 6 78, तो ये आपके मैंने 3 तरीके बता दिए आपको। पहला बताया है ये आपको पहला ट्रिक, दूसरी ट्रिक ये, तीसरी ट्रिक ये, और मैंने आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना भी सिखाया कि डायरेक्ट एलसीएम हम कैसे निकालते थे जब हम छोटी क्लास में होते थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम इनके फैक्टर करते हैं तो हम इनके फैक्टर से कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं और अब आपको एलसीएम के कुछ क्वेश्चन सिखवाता हूं कि न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर में एलसीएम कैसे निकालते हैं, या फिर एलसीएम के फर्स्ट और सेकंड दिए हों तो वो हम कैसे करते हैं। चलिए इसे रफ करता हूं मैं। देखिए अब हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, अगर दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। इट मींस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, ये होता है।
अगर आपको एक नंबर दिया हो और एलसीएम एलसीएम दिया हो और कोई एक नंबर फाइंड करना हो तो यहाँ से फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर मल्टीप्लाई एलसीएफ एंड एलसीएफ, ये दोनों इक्वल होते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल लिया जिसमें एलसीएम दिया हुआ है 225, एलसीएफ दिया 5 और फर्स्ट नंबर दिया 25, कितना दिया 25। अब आपको इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा फर्स्ट नंबर दिया 25, सेकंड नंबर मुझे पता नहीं है, एलसीएफ दिया 5 और एलसीएम दिया 225, ये दोनों मल्टीपल में है, इट मीन्स यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और ये कितना दिया है 25, 25 को काटा 25 नाइन जा 225 और 5 नाइन जा 45, सेकंड नंबर आपका क्या है 45 है। एक आपका ये फॉर्मूला होता है। अब आपका फॉर्मूला हम निकालते हैं कि जो आपको फ्रैक्शन टर्म दी होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है तो उस पर फॉर्मूला आपका क्या बनता है। तो देखिए जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिए होते हैं आपके, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपको एलसीएम निकालना है देन आपको एचसीएफ निकालना है, दो चीज निकालनी है एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आपको जो पूछा जाए, यानी कि आपको अगर एलसीएम निकालना है तो हम ऊपर वाले का एलसीएम कर देते हैं, अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ कर देते हैं ऊपर वाले का, अगर हमने ऊपर का एचसीएफ कर दिया तो नीचे का एलसीएम ही करेंगे, और अगर ऊपर का एलसीएम कर दिया तो नीचे का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। तो एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपकी इस कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, बाकी एलसीएम और एचसीएफ आपको बताता रहूंगा, और लीस्ट नंबर निकालने के लिए या फिर हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए भी आपको मैं सिखाता रहूंगा। ये जो मेरी पूरी की पूरी वीडियो थी ये सिर्फ एलसीएम की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।